बहराइच हिंसा पर सीएम योगी हुए सख्त, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश, आज शाम तक अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। बहराइच हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट, 25 से 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया, 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। बहराइच में हिंसा के बाद मोबाइल इंटरनेट बंद, सीएम योगी ने भी मौजूदा हालात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान मचा था बवाल, पथराव और फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से हुई मौत, कई घायल लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगाई। मुस्लिम समुदाय के घर के सामने से दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस निकाले जाने के दौरान हुआ विवाद, मूर्तियों पर पथराव के बाद बड़ा मामला, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और पीएसी की जवान। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में बवाल के बाद एक्शन, थाना अध्यक्ष हरदी एसके वर्मा सस्पेंड किए गए, चौकी इंचार्ज महेशी शिव कुमार भी सस्पेंड, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बहराइच में बवाल के बाद बड़ा तनाव, रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ धरना पर बैठा परिवार, मौके पर डीएम और पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद। बहराइच हिंसा को लेकर बोली डीएम मोनिका रानी, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना बुरी तरह से गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहराइच में युवक की मौत के बाद बवाल, बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि कानून से खिलवाड़ की कोई इजाजत नहीं है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा को लेकर बोली बीजेपी प्रवक्ता शतांशु त्रिवेदी, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। बहराइच हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, हिंसा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कानून को अपने हाथ में ना ले, जनता दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बहराइच हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शांति और सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश कोई साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच में बवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर हमला बोला, कहा कि पूरे यूपी में जंगलराज चल रहा है।